तीजू से पृथ्वी अप्रसन्न है सही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए पहलू सरसों किस ऋतु में फूली है जवाब है वसंत ऋतु में बीजू एक और रंग है तो दूसरी ओर क्या है तो जवाब है रण अथा तो युद्ध काव्य के अनुसार विद्या किसकी प्रसिद्धि है એનો જવાબ છે તાનાજી માલ સૂર્ય મહારાણા પ્રતાપ કી ચોથો છે ભૂષણ ઓર રસ કે કવિ એનો જવાબ છે વીર રસ પ્રશ્ન ચોથો છે સહી વાક્યાન કર નિમ્નલિખિત વિધાન પૂર્ણ કીજે પેહલું છે કં વીર વેશ મેં એનો જવાબ છે ઉસે યુદ્ધ મેં લડને હૈ બીજું છે અતિત કો મૌન ત્યાગ કર બતાના ચાઇ કી એનો જવાબ છે વીરો કા વસંતસા હોતા થા ત્રીજું છે આદિ અંત મિલને આયે હૈ

એમાં પેલો પ્રશ્ન છે વિભાગ અ કે શબ્દ કે પર્યાય શબ્દ વિભાગ બ સે ઢોલકલ લિખીએ પેલું છે પ્રાચી તો એનો જવાબ છે પૂર્વ દિશા બીજું છે ઉદધિ એનો જવાબ છે સમુદ્ર ત્રીજું છે દિગ એનો જવાબ છે દિશા ચોથું મધુ તેનો જવાબ છે સહદ પાંચમું વધુ તેનો જવાબ છે બહુ છઠ્ઠું વસુધા એનો જવાબ છે પૃથ્વી સાતમું અતિત તો એનો જવાબ છે ભૂતકાળ આઠમું મરુ તેનો જવાબ છે રેગિસ્તાન

પાંચમો સહદ એનો જવાબ છે પુલિંગ છોટું સંકલન પ્રશ્ન ચાર છે નિમ્ન લિખિત પ્રત્યેક ભાવવાચક સંજ્ઞા પહેચાન કર લીખીએ પેલું છે વિરોકી સુરવિતા હમ સબકો સદૈવ પ્રોત્સાહિત કરતી રહેતી હે એનો જવાબ છે સુરવિતા બીજું છે કવિયત્રીને સુરવિરોકા उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया है एनो जवाब तो वीरों को अपने शौर्य पर पुरस्कृत किया जाता है सौर्य हमारे ने दुश्मनों के घमंड को चूर चूर कर दिया घमंड प्रश्न पांच निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए लिखिये पहलु वसुधा के अंग अंग पुलकित हो उठते है एनो जवाब छे पुलकित बीच उनकी कलम पर पाबंदी लगी है वह स्वच्छ नहीं है जवाब स्वच्छ तृजो उनकी ज्वलंत स्मृतियां हमारे हृदय में रोमांच खड़ा कर देती है। इनो जवाब है ज्वलंत। चतुर्थ जो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वीरो का वसंत कैसा होता है? इनो जवाब ऐतिहासिक। पाठ 2 प्रश्न पेलो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए। पहला है का कैसा हो वसंत कविता की कवियित्री का नाम लिखिए। जवाब का के हो वसंत कविता की कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है बीजू से कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं कवि कुरुक्षेत्र से कहते है कि तुम झाककर देशवासियों को अनंत अनुभव के बारे में बताओ तीजू से हल्दी घाटी और सिंहगढ़ किन की ज्वलन स्मृतियों को जागृत करते हैं इनो जवाब हल्दी घाटी और सिंहगढ़ महाराणा प्रताप और तानाजी मालसूर्य की ज्वलन स्मृतियों को जागृत करते हैं प्रश्न बीजा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए पहलू से कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कवियत्री ने क्यों कहा है जवाब से देश के इतिहास में कविता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं इनसे हमें अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं इसलिए कवियत्री ने कहा है बीजू से किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसन बताया है इनो जवाब हनुमान द्वारा लंका को जलाना यानी कि लंका दहन कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध तानाजी मालसूर्य द्वारा सिंहगढ़ विजय ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं इन्हीं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत बताया है कवियत्री किस दुर्भाग्य मानती है आज और चंदबरदा जैसे वीर रस के निर्भय कवि नहीं है लोगों में बिजली जैसा जोश और जोश भर देने वाले छंदों का भी अभाव है कवियत्री इस स्थिति को देश का दुर्भाग्य मानती है प्रश्न त्रीजो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच या छह वाक्यों में लिखिए इमा पहले हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवियत्री का क्या तात्पर्य है इनका जवाब मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था परंतु सफल नहीं हुआ महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गवाने के लिए तैयार नहीं हुए अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर श्रद्धा तानाजी माल सूर्य ने उस पर आक्रमण किया और कटी कड़ी टक्कर दी बीजू है कलम बंधी स्वच्छ नहीं संसद समझाइए एनो जवाब का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चमक, दमन चमक, चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था ऐसा लिखने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी इस संदर्भ में कवियत्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है मैं चाहू तो भी कुछ खुलकर देख नहीं सकती तो आ तो ધોરણ 9 હિન્દી છોતા રો એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ થેન્ક યુ આભાર